हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस सो लेट्स बिगिन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकलाइजेशन हम जानेंगे ट्रॉपिकलाइजेशन के बारे में क्लाइमेट चेंज इज काउजिंग सिग्निफिकेंट ग्लोबल फिनोमिनन नॉन एट ट्रॉपिकलाइजेशन वी आर टॉपिकल स्पीसीज इन द ओशियन आर मूविंग टुवर्ड पोल वेल टेम्परेट स्पीसीज आर रिट्रीटिंग जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण सिग्निफिकेंट ग्लोबल फिनोमिनन जो है हो रहा है जिसको कि हम ट्रॉपिकलाइजेशन कहते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल स्पीशीज जो है ओशियन के वो मूव कर रहे हैं पोल की ओर जबकि टेम्परेट स्पीशीज वो रिट्रीट कर रहे हैं दिस मास मूवमेंट ऑफ मैराइन लाइफ इज ड्राइवेड बाई राइजिंग सी टेम्परेचर एंड मेराइन हीट वेव ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ये जो मास मूवमेंट हो रहा है मैराइन लाइफ का ये ड्राइवेन है राइजिंग सी टेम्परेचर के कारण और मैराइन हीट वेव के कारण क्लाइमेट चेंज के कारण जो हो रहा है द ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन एरिया विद स्ट्रॉग करेंट अवे फ्राम द इक्वेटर लीडिंग टू कंसिक्वेंसेज फॉर इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी और ये जो ट्रेंड है इसको ऑब्जर्व किया गया है एरियाज में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंट जो कि अवे है इक्वेटर से जिसके कारण कंसिक्वेंसेज जो है इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी और इसका पोटेंशियल इंपैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट वेरी बाई रीजन टू रीजन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल फिशरी कार्बन स्टोरेज एंड टूरिज्म और जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो वेरी करता है रीजन से रीजन के अनुसार इसका प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल फिशरी कार्बन स्टोरेज और टूरिज्म के ऊपर भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है जो करंट है कैसे मूव कर रहा है पहले ये स्पेसिस था फिर वहां पे वो नहीं मिल रहा और ये स्पेसिस मिलने लगा है ए बी सी डी ई एफ के माध्यम से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रोन स्टूडी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पी आई बी के अनुजाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानेंगे इसके बारे में हम यूनियन कैबिनेट हैजप्रूव सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम 2024-25 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम को जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा ड्रोन को किनोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को टू थाउजेंड से टू थाउजेंड के लिए दिस स्कीम एम्स टू इम्पावर फिफ्टी थाउजेंड सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बाई ऑफरिंग ड्रोन रेंटल सर्विस टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ये जो स्कीम है इसका मकसद है करना फिफ्टीन थाउजेंड सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑफर करके ड्रोन को रेंटल सर्विस के रूप में फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर परपज के लिए ये दिया जाएगा की फीचर्स ऑफ द स्कीम इंक्लूड जो की फीचर्स है इस स्कीम का हॉलिस्टिक इंटरवेंशन यानी यह हॉलिस्टिकल इंटरवेंशन करने में मदद करेगा दि स्कीम इंटीग्रेट एफर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर कॉलेबरेशन विद वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड लीड फर्टिलाइजर कंपनी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हॉलिस्टिक अप्रोच ये जो स्कीम है यह इंटीग्रेट करेगा जो एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का कोलाब्रेशन किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ और लीड फर्टिलाइजर कंपनी के साथ जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है इस हॉलिस्टिक अप्रोच का क्लस्टर बेस्ड अप्रोच आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली फीजिलिजिबल क्लस्टर फॉर ड्रोन सिलेक्शन ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद इन दिस क्लस्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ ड्रोन जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इसके अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाएगा इकोनॉमिकली फिलिजिबल क्लस्टर बोर ड्रोन यूजर्स को सिलेक्ट किया जाएगा 15,000 थाउजेंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन क्लस्टर के अंतर्गत ताकि जो प्रोविजन और ड्रोन का उसको फुलफिल किया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात की गई है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रिसीव 80 परसेंट ऑफ द ड्रोन कॉस्ट एज सेंट्रल फाइनेंसिंग असिस्टेंट रिमेनिंग अमाउंट कैन बी रेज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अ लोन अंडर नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी विद अ थ्री परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उनको 80 परसेंट जो है ड्रोन का कोर्स वो सेंट्रल फाइनेंसिंग असिस्टेंट के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है ट्वेंटी परसेंट का इसको रेज किया जा सकेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा एक लोन के रूप में नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तौर पर जिसमें थ्री इंटरेस्ट ऑफ वेंशन की बात कही गई है ट्रेनिंग दिया जाएगा इलेक्टेड मेंबर जो होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उनको 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग में मैंडेटरी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होगा साथ साथ एडिशनल सेशन होगा एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए दूसरे जो मेंबर होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन टेक्नीशियन और असिस्टेंट के रूप में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इनकम जनरेशन ये जो है इनकम जनरेट करने में मदद करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप रेंट आउट ड्रोन सर्विसेज टू तो फार्मर फॉर नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन एम टू तो प्रोवाइड सस्टेनेबल बिजनेस एंड लाइवलीहुड सपोर्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे वो रेंट करेंगे ड्रोन सर्विस को फार्मर्स को नैनो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए मकसद इसका प्रोवाइड करना सस्टेनेबल बिजनेस को और लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करना उनको रोल ऑफ लीड फर्टिलाइजर कंपनी जो रोल होगा लीड फर्टिलाइजर कंपनी का लीड फर्टिलाइजर कंपनी काम करेंगे एक इंटरमेट्रेट्री के रूप में ड्रोन सप्लायर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में ये फैसिलिटेट करेगा प्रोक्योरमेंट को और मेंटेनेंस को प्रमोट किया जाएगा नो फर्टिलाइजर को जिसके ऊपर फोकस होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होगा एग्रीकल्चर के लिए ये जो स्कीम है इसका मकसद है इन्फ्यूज़ करना एडवांस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के लिए जिसके कारण इंप्रूव हो सके एफिशिएंसी का इन्हेंस किया जाएगा क्रॉप के इल्ड को और रिड्यूस किया जाएगा ऑपरेशनल कॉस्ट को तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा ये बेनिफिट करेगा फार्मर को और कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान तो जो पीएम जनमान स्कीम है पीआईबी का इसके बारे में हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यूनियन कैबिनेट है अप्रूव डी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान जो प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज फेस बाय पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इसका मकसद है एड्रेस करना सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को जिसको सामना करना पड़ रहा है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को भारत में मिनिस्टर इन्वॉल्व जो मिनिस्टर इन्वॉल्व है इस स्कीम के लिए नाइन मिनिस्टर है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी है फोकस एरिया की अगर हम बात करें लेवन क्रिटिकल इंटरवेंशन इन कम्पासिंग वेरियस सेक्टर सच एज हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर एजुकेशन एंड कनेक्शन लेवन क्रिटिकल इंटरवेंशन जो है जिसकी इनकम पांच करेगा अलग अलग सेक्टर को जिसमें हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर एजुकेशन और कनेक्टिविटी भी होगा टारगेट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें ये जो मिशन है ये ऑपरेट करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि कॉम्पोनेंट क्या होगा प्रोविजन है इसमें पक्का हाउस का कनेक्ट किया जाएगा रोड्स है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है मोबाइल मेडिकल यूनिट हॉस्टल वोकेशनल एजुकेशन आंगनबाड़ी सेंटर मल्टीपर्पज सेंटर इलेक्ट्रिफिकेशन सोलर ऑपरेड सिस्टम सोलर लाइटिंग सेटिंग ऑफ विलेज डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर ये सारे इसके कम्पोनेंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेनिफिशरी के लिए क्या स्कोप होगा स्वेंटी फाइव पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी इन एटीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो सेवेंटी फाइव पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी है एसटीन स्टेट और यूनियन टेरेटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आईलैंड के उनके लिए स्कोप होगा ओवरऑल गोल की अगर हम बात करें इम्प्रूव दल वेल बींग ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हाउस होल्ड बाई टारगेटिंग बेसिक फैसिलिटी इंक्लूडिंग हाउसिंग वाटर सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ कनेक्शन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी ये इंप्रूव करेगा जो ओवरऑल वेलबींग well है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के हाउस होल्ड के लिए टारगेट करके बेसिक फैसिलिटी को जिसमें कि हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा वाटर सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ कनेक्शन और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उनको कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर मिनिस्ट्री जो कंट्रीब्यूशन होगा दूसरे मिनिस्ट्री का आयुष एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर विल इस्टबलिश वेलनेस सेंटर आयुष फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विल बी ऑफर टू पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैबिटेशन जो आयुष और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो इस्टेब्लिश करेंगे वेलनेस सेंटर को आयुष फैसिलिटी जो है वो दिया जाएगा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के हैबिटेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसमड तो हम जानेंगे प्रेसमठ के बारे में इंडियाज प्रेसमट अ बाई प्रोडक्ट इन दुगर इंडस्ट्री कैन बी वैल्युएबल रिसोर्स फॉर कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन भारत का जो प्रेसमड है जो कि एक बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का तो किसका है बाई प्रोडक्ट सुगर इंडस्ट्री का वो एक वैल्युएबल सोर्स हो सकता है कंप्रेस बायोगेस प्रोडक्शन के लिए वॉट इज प्रेसमड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस ये प्रेसमड होता क्या है इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है प्रेसमड ऑल्सो नॉन एज फिल्टर केक और प्रेस केक इज ए रेसिड्यूल बाई प्रोडक्ट इन दुगर इंडस्ट्री जो प्रेसमर है जिसको कि हम फिल्टर केक या प्रेस केक के नाम से भी जानते हैं एक रेसिडेंटल बाई प्रोडक्ट है सुगर इंडस्ट्री का इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द शुगर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फ्रॉम शुगर कैन ये प्रोड्यूस होता है शुगर कैन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान शुगर कैन से जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस समय ये प्रोड्यूस होता है शुगर कैन इज क्रश टू द एक्सट्रैक्ट जूस एंड प्रेसमट इट दॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर स्क्विजिंग आउट इज जूस जो शुगर कैन है उसको क्रश किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जूस को और प्रेसमट जो है ये सॉलिड रेसिड्यू होता है जो कि बचता है स्क्विज आउट करने के बाद जूस के अदर बाय प्रोडक्ट और बैगेस एंड मोलास यस इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट होता है जैसे कि बैगेस हो गया मोलास हो गया एप्लीकेशन इसका क्या है इथ एय दोटेंशियल यूज इन जनरेटिंग कम्प्रेस बायोगैस थ्रू एनारोबिक डाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट प्यूरिफिकेशन विद दी पोटेंशियल टू जनरेट फोर लैक्स सिक्सटी थाउजेंड टन ऑफ कम्प्रेस बायोगैस वैल्यू एट रुपीट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी फोर करोड़ प्लेस मत ओवर एडवांटेज लाइक सिंप्लीफाइड सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेटेड सोर्थिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका पोटेंशियल है कि इसका उपयोग किया जा सकता है जनरेट करने के लिए कम्प्रेस बायोगैस को एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से और सब्सिक्वेंस प्योरिफिकेशन से जो पोटेंशियल है जनरेट करने का फोर लैस सिक्सटी थाउजेंड टन बायोगैस का जिसका वैल्यू जो है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर करोड़ अप्रॉक्स है प्रेस मट ऑफर करता है एडवांटेज को सिम्प्लीफाइड सप्लाई चेन कंसनट्रेटेड सोर्सिंग एंड कोर्स इफेक्टिवनेस के माध्यम से लेकिन चैलेंजेस कुछ है जो कि इंक्लूड कर रहा है राइजिंग प्रेसमट के प्राइसेस को जो कंपटीशन है अल्टरनेट यूज़ को लेके और जो स्टोरेज का इश्यू है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए इस रिसोर्सेज को इंटरवेंशन की आवश्यकता है जैसे कि स्ट्रीमलाइन करना बायो एनर्जी पॉलिसी को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए और रिसर्च करना होगा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट किया जा सके यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे प्रेस प्रेसमत जो होता है तो शुगर कैन माइलिंग ट्रेन जूस टैंक में गया हीटर क्लैरिफायर बहुत सारे प्रोसेस प्रोडक्शन में जो शुगर के होता है जो मदी लूज होता है रोटेटरी वेकम फिल्टर के माध्यम से प्रेस के रूप में मिलता है ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेम्पोर सेफ्रॉन प्रोडक्शन इन इंडिया तो जो पेम्पोर है सेफ्रॉन प्रोडक्शन भारत का इसके बारे में हम जानेंगे पेम्पोर नॉन एज देंटर ऑफ कंट्री सेफर रिफर टू एर रेड गोल्ड कल्टिवेशन है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी पेम्पोर जिसको कि हम सेंटर ऑफ कंट्री के सेफ्रॉन के लिए रूप में भी जानते हैं जिसको हम रिफर करते हैं रेड गोल्ड के रूप में इसका कल्टिवेशन में डिक्लाइन देखा गया है इसके प्रोडक्टिविटी में सेफ्रॉन के बारे में हम जान लें सेफ्रॉन इज अ स्पाइस ड्राइव फ्रॉम दी फ्लावर ऑफ क्रॉकस सटाइवर्स कॉमनली नॉन एज सेफ्रॉन क्रोकस डी विविथ क्रिमसन स्टिगमा एंड स्टाइल कॉल थ्रेड आर कलेक्टेड एंड राइट फॉर यूज मेनली एज सीजनिंग एंड कलरिंग एजेंट इन फूड जो सेफ्रॉन है ये एक स्पाइस है जिसको ड्राई किया जाता है जो फ्लावर है क्रोकस टाइवस का जिसको हम कॉमनली सेफ्रॉन क्रोकस के नाम से भी जानते हैं ये जो विविध क्रिम्सन स्टिग्मा और स्टाइल है जिसको हम थ्रेड कहते हैं इसको कलेक्ट किया जाता है ड्राई किया जाता है और मेनली इसका उपयोग होता है सीजनिंग के रूप में या कलरिंग एजेंट के रूप में फूड के लिए मेन इश्यू इंपैक्टिंग सेफ्रॉन प्रोडक्शन इन पेम्फोर आर जो मेन रीजन है जो कि प्रभाव डाल रहा है सेफ्रॉन के प्रोडक्शन के ऊपर पेम्फोर रीजन पर क्लाइमेट चेंज इरेटिक रेनफॉल पैटर्न हायर टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया ऑन टू सरफ्रेन फील्ड और जो इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट है इरीगेशन के ऊपर और फार्मल ट्रेनिंग के लिए ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो चैलेंज का सामना करना पड़ा है सैफरन कल्टिवेशन को लेकर ये कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण इसका कल्टिवेशन में डिक्लाइन देखा गया है Iran, India, Spain, and Greece are the major saffron producing countries. With Iran occupying the maximum area and contributing about 88% of the world's saffron production, through India occupying the second largest area but producing approximately 7% of the total world production. जो ईरान है भारत है स्पेन है और ग्रीस है ये चारों मेन कंट्री है जो कि मेजर सेफरन प्रोड्यूसिंग कंट्री है ईरान ऑक्युपाई करता है मैक्सिमम एरिया को और कंट्रीब्यूट करता है एटी एट परसेंट वर्ल्ड के सेफरन प्रोडक्शन में इसके बाद भारत जो है भारत है जो कि ऑकुपाई करता है सेकेंड लार्जेस्ट एरिया को लेकिन भारत प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्सीमेटली सेवन टोटल प्रोडक्शन का ये आप देख सकते हैं जिस एरिया के यहाँ पर बात कही गई है जहाँ पर ग्रो होता है भारत के जिस रीज़न पर द ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें दिस आर और सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर आल्स यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक थैंक यू एंड एव नाइस डे